बेहतर कल की पहल। बिट्टू, आज प्रदूषण हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हाँ बिन्नी, पर क्या ये समस्या केवल हमारे देश की है? चलो पापा से पूछते हैं। हाँ चलो। पापा। हाँ बेटा। क्या सिर्फ हमारे देश में ही प्रदूषण की समस्या है? क्या विकसित देशों ने यह समस्या नहीं झेली? नहीं बेटा, बहुत से देशों में यह समस्या रही है और उन्होंने अपने प्रयासों से इस समस्या को हल भी किया। अच्छा, कैसे पापा? बेटा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करके। हाँ, कार और मोटरसाइकिल का उपयोग कम करके। अच्छा। उन्होंने साइकिल एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया। अरे वाह, हम भी इन सब उपायों को अपनाकर अपने देश को प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं। हाँ बिन्नी, और आने वाली पीढ़ियों के लिए ईंधन को बचा सकते हैं। इससे सिर्फ ईंधन और पैसे की ही बचत नहीं होती, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अरे वाह। अच्छा, यदि हम सब मिलकर ऊर्जा बचत के लिए प्रयास करें तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और खुशहाल जीवन दे सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है।